ये तो है गाइज ये हूँ मैं, गोदू बचपन में गोदू। कितनी तो ये प्यारी। देखो, तो गाइज ये मैं हूँ, ये ये फार्म है। और अब लगता है मोटो व्लॉगिंग करेंगे सोफिया। सारी पैकिंग हो चुकी है, बड़ी मेहनत लगी इस भाई इस ऐसे। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब अच्छे से होंगे, खैरियत से होंगे। और आज मैंने सोचा मैं बाहर से व्लॉग शूट करती हूँ। क्या ही नजारा है बाहर हाँ, का। तो आप सारों की डिमांड है डेली व्लॉगिंग करो, डेली व्लॉगिंग। तो समझ नहीं आता डेली व्लॉग मैं डालूँ क्या। तो मैंने सोचा चलो आज आप कर ही देखती हूँ, बाद में कंटेंट देखती हूँ क्या मिलेगा, बट फिलहाल मैं स्टार्ट कर रही हूँ। तो आज मेरा फास्ट है और आज रमजान का 11th नहीं 12th डे है, 11th डे है। मुझे भूल जाता है, मुझे याद नहीं रहता है, बड़े दुख की बात है। तो अब हम दिखाते हैं आपको फार्म ने जो मतलब ये ना फ्लावर पॉट्स जो ऑर्डर किए थे, जो हमें लगे थे कि बड़े होंगे, उस खुशी में हमने वो ऑर्डर किए थे। अब मैं आपको दिखाती हूँ वो कितने छोटे से हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। वेट तो गाइज देख लो, इस हमने जो पॉट्स ऑर्डर किए हैं, लालच बहुत बुरी बला होती है, क्योंकि हमने सोचा था 500 में 30 आ रहे हैं, बड़े बड़े आ रहे हैं। हमें नहीं पता थी, हमें लगा था कि अच्छे खासे बड़े होंगे, बट ये बहुत ज़्यादा छोटे हैं। आप देख सकते हो कितने छोटे हैं ये। कोई नहीं, हम बाद में निकालेंगे ना इसको, इस पार्क में ये लगाएंगे। अच्छे लगेंगे, मैं अपने जो मेरा स्टडी टेबल है उस पर लगाऊंगी, ये पॉट्स उधर पर रखूंगी अब मैं। और क्या ही बोलूँ मैं आपको, कुछ खास तो है और नहीं हम अभी। ताजी हवा खा रहे हैं बाहर। हाँ बिल्कुल। और मम्मा बैठी है चारपाई पे, और वो रही मेरी स्कूटी बेचारी, जिसके ऊपर कपड़े रखे हुए हैं। बहुत टाइम से मैंने चलाई नहीं, बट मेरी स्कूटी बेचारी, जो कि मैं इसको देखने मुझे दुख होता है कि मैंने चलाई नहीं। चलो अभी अब क्या करें हम। अब हम क्या कर रहे हैं, हम फिलहाल अंदर चलते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। गाइस मैं अंदर नहीं जा रही हूँ अब मैं बाहर जा रही हूँ, क्योंकि मुझे एक गिफ्ट रैप करना है, उसके लिए मुझे और भी शीट एक चीज लाना है, बतानी है आज। और एक और चीज़ बतानी है, अपने आप की प्रमोशन करनी है मुझे आज। तो इसलिए एक मैं और बाहर। बिजनेस है हमारा, हाँ एक और बिजनेस है मेरा, मेरा बचपन से ही शौक था डॉक्टर के साथ साथ बिजनेस करने का। इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट आई वॉन्ट टू बी इंडिपेंडेंट, आई वॉन्ट टू बी एन इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वूमन। वूमन, वन वूमन आर्मी। चलो पैकिंग शीट देख लीजिए। तो गाइज इसके पास पैकिंग शीट नहीं था, अब मुझे अपनी स्कूटी निकालनी पड़ेगी, जो कि मैं नहीं निकालना चाहती थी। तो हम घर की तरफ जा रहे हैं, पहले हम घर जा रहे हैं, अब तो उसके बाद निकालूंगी तो स्कूटी। और मैं बहुत बड़ी फकीर लग रही हूँ इस टाइम पे, अब क्या करें, फ़र्क नहीं पड़ता मुझे, अब कौन दिखाएगा मुझे। दूर जाने का मन तो नहीं था, अब जाना पड़ेगा मुझे। रैपिंग शीट में पैकिंग शीट एक लाना है, अभी बताएंगे ना उसका क्यों लाना है। चलो आज सोफिया के साथ में बहुत टाइम बाद स्कूटी पे है ना, अब लगता है मोटो व्लॉगिंग करेंगे सोफिया। हम मोटो व्लॉगिंग नहीं है। तो यहाँ पे भी शीट नहीं मिला, शायद वही लग रहा है मुझे भी। आई फील हो गया, मजे तो हो गया, मेरे को जुकाम ऑलरेडी। तो मैं एक कुरकुरे लूंगा, ठीक है कुरकुरे तुम ले लो। तो चलो तो मिल गया हमें शीट भी। हाँ अब बता दिया तो बताओगी। तो हो गया, चलो अब चलते हैं। हाँ तो सोफिया इस टाइम उड़ रही है स्कूटी पे ना। लाई प्यारी प्यारी चिड़िया, इसको लगी है शायद। हाय मैं घर आ चुकी हूँ, और मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ कि मेरा एक बिजनेस भी है फ्रेम्स का। तो लाइक मतलब अगर किसी को बर्थडे गिफ्ट्स के लिए फ्रेम्स वगैरह कुछ भी बनाना हो, तो आप मुझे डीएम करना मेरे अपने अकाउंट पे। असल में उसका दूसरा अकाउंट है, बट फिलहाल अगर आप करोगे मेरे ही अकाउंट अपने अकाउंट पे, मेरे अकाउंट पे आप सोफिया शॉप पे डीएम करना अगर किसी को भी बनाना हो। तो ये है वो फ्रेम जो मैं बनाती हूँ, ये भी एक कस्टमर का है, जो इसी के लिए मैं रैपिंग शीट लाने जा रही थी। तो मैं ये फ्रेम्स भी बनाती हूँ, अपना प्रमोशन करते वक्त बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। वो रैप इसलिए हमने लाया। हाँ बिल्कुल गाइज, हम थोड़ा बहुत सामान लेके आ गए थोड़ा सा। तो अगर हमें नीचे घर वाले नहीं, वो जंक फूड हमें खाने नहीं देते ज्यादा। हमें चोरी चोरी अंदर घुसाना पड़ा, क्योंकि हमें जूते बनाना पड़ने वाले थे। तो गाइज अभी हो रहे 3:41। सो हमने सोचा कि आज हम अपनी पुरानी फोटोग्राफ्स देखेंगे,
उतनी भी पुरानी नहीं, मतलब लाइक तब मैं सेकंड थर्ड या कुछ आधी पुरानी भी है, आधी फिफ्थ सिक्स की भी है, तो वो देख लेंगे थोड़ा सा। आज आप लोगों को शौक लगेगा कि पतली सोफिया। और मैं दिखाऊंगी पतली सोफिया कैसी थी, जो आज मुझे बोलते हैं आप बड़ी लगती हो, शादी हुई है लगता है, तो मैं भी एक जमाने में पतली हुआ करती थी, बट लॉकडाउन से पहले था, लॉकडाउन के बाद मैं बीमार भी रही, तो उससे फिर ज्यादा ही फूक चढ़ा मुझे, तो चलो लेट इट भी, फर्क नहीं पड़ता मुझे। तो गाइज ये है जब हम चंडीगढ़ गए थे, और ये दिखा, ये पापा है, ये पापा के कजन है, अडॉप्टेड वाले कजन है, और ये इसके दोस्त है, और ये मैं देखो कैसी थी बेचारी, ये मेरे चाचू है, रिफ्लेक्शन आ रहा है। हाँ तो गाइज ये मैं हूँ, और ये मेरा भाई है, और ये हम दो भाई बहन, और ये देखो मैं कितनी प्यारी थी यहाँ पर, और ये मम्मा है, देखो मम्मा कितनी प्यारी थी बेचारी पहले, ये मैं हूँ गोदी, ये गोदी में मेरा भाई है, तो ये देखो, तो गाइज ये मैं हूँ, ये फार्म है, और ये मैं हूँ इसके पीछे, माय गॉड क्या होता है, वो मम्मा है। तो देखो सोफिया को देखो गाइज, मैं कितनी पतली थी यार, देख लो अब मैं मोटी हो गई हूँ, फोटोज क्यों उठाते हैं। और ये मम्मा, हम ये उस टाइम पे हम शायद दिल्ली में थे, तो आप देखिए मैं कैसे फोटो उठाती थी, लुधियाना में उठाए हैं, तो मेरे मस्से, पतली थी और लंबी, देखो मैं कैसी थी, लंबी थी, अब मेरी हाइट ही खत्म हो गई है जैसे। तो ये देखो, ये उठाया है वहां पे दिल्ली में, और ये उठा, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड गाइस, तो ये मेरा भाई है, और ये मैं हूँ, और ये मेरी मम्मा है, सबसे ज्यादा अच्छी हमारी माँ लग रही है इस ट्रेडिशन में। ये तो गाइस ये हूँ मैं, बचपन में कितनी प्यारी थी मैं, बोलो बोलो ये वाले, तो ये वाला, ये जो कपड़े मुझे मामू पहना था, जॉन सीना के, वो रेसलिंग देख रहा होता था सिर्फ, मेरे मामू जितने भी मामू सिर्फ रेसलिंग, रोमन रिंग, जॉन सीना, बस सिर्फ मुझ पे ये एक्सपेरिमेंट करते थे बेचारे लड़की जैसी, इसको जानते हो गाइस, तो गलत हो गया है यार, ये कितनी प्यारी फोटो है, खैर मेरे तो बचपन में इतने फोटोज किसी ने नहीं उठाए, अरे जो पहला बच्चा होता है ना उसके ज्यादा होते हैं, देखो मेरी माँ कितनी प्यारी थी, मतलब मैं इसी पे गई हूँ, बट ये पतली थी तो मैं मोटी हूँ अलग बात है, और ये मेरे बर्थडे वगैरह मेरी माँ से ये सब कुछ करती थी। और फोटो दिखाने बैठे आप तो बहुत सारे दिखाने पड़े गाइस, नहीं पहले देखिए मुझे इरिटेट कितना किया इन्होंने, मुझे बड़ा इरिटेट किया था यहाँ पर, बहुत ज्यादा इरिटेट किया था, मुझे याद है ना, मुझे इन्होंने इरिटेट किया था यहाँ पर, देख लो आप, ये मेरी मम्मी, मेरी बहन है, तुम्हें इतना कैसे याद है? जो इस टाइम 12th में का एग्जाम ने भी दिया, मैंने भी दिया, इतना कैसे याद है, इतना कैसे याद है, याद रहता है यार। तो गाइस अब मैं करती हूँ पैकिंग इसकी, तो कल उसको देना है जिसका ये है। पैकिंग हो चुकी है, बड़ी मेहनत लगी इस ऐसी पैकिंग की, अभी टेप नहीं मिला तो टेप नहीं मिला, जुगाड़ करना पड़ा, तो हो गई है पैकिंग। तो गाइस हम नीचे आ चुके हैं, क्या बना रही हो मम्मा? मम्मा बना रही है सिडनी, और आज हमने रसगुल्ला भी लाए, रसगुल्ले नहीं है, गुलाब जामुन लाए, रसगुल्ले हमने माने नहीं, और मुझे लगता है मैं फ्रेश क्रीम से कुछ पहले बनाती हूँ, हम कल बनाएंगे बिरयानी मसाला, आज हमने लाया कल में लाई नहीं, अब हम आज नहीं, अब कल या परसों और बिरयानी बनाएंगे, देखते हैं। चलो मैं कब भी लाने जाती हूँ बाहर, पहले आ जाओ। तो गाइज थैंक यू सो मच, क्योंकि अब मेरे वॉच आज जो है वो भी कंप्लीट होने वाले हैं, आप ऐसे ही मेरे ब्लॉग्स देखते रहिए, और मेरी चैनल अब जल्दी से ही इंशाल्लाह मोनेटाइज होने वाली, तो आप मेरे ब्लॉग्स देखते रहिए, थैंक यू सो मच गाइज। अब पापा के कपड़े, सोफिया आप क्या कर रही हो यहाँ पे? हम बनाएंगे, मुझे खुद भी नहीं पता हम क्या बनाएंगे, फ्रूट क्रीम, हमारा फ्रूट सैलड कस्टर्ड जो है वो, सॉरी फ्रूट सैलड जो है क्रीम वाला, वो तैयार हो चुका है, सोफिया कुक बन गई, मैं कुक बन गई। ये रहे हमारे गुलाब जामुन जो हम अब इस तैयारी के लिए डालेंगे, सर्व करने वाले हैं। माशाल्लाह तुम खुद गुलाब जामुन जैसी हो, थैंक यू, ओह माय गॉड। तो इफ़ान के मुंह में पानी आ चुका है, फाइनली अब कुछ ही टाइम रह गया है इफ्तार के लिए, और हमने तैयारी कर ली है, हम अपना इफ्तार जो है गुलाब जामुन, फ्रूट फ्रेश क्रीम, और क्या इसको बोलते हैं, फिरनी और खजूर से खोलेंगे, पहले खजूर खाएंगे, ये गलती से चटनी लगती है उसके साथ, वो इग्नोर करो, और मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है गाइस, अब पता नहीं अब कब। तो गाइस इफ्तारी हो चुकी है, और अब बाहर बारिश हो रही है, और मुझे मौसम बाहर का बहुत अच्छा लग रहा है, ये पर ठंड भी लग रही है मुझे, ये मौसम मुझे पसंद है, पर मुझे तो ठंड लग रही है।
आज के व्लॉग में मैं एंड करती हूँ, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। और मुझे भी हाँ एक और बात बोलनी थी कि 2K सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं हमारे, तो हम इस टाइम तो 1600 हो गए, हम क्लोज है 2K के, तो जल्दी से 2K करा दो। और फिलहाल के लिए बाय बाय, टेक केयर।